ये तू का कहता रू नेहा? हम बिल्कुल ठीक कहता नी। अरे यही नाते हम सब केहू के यही जब बुलावले बानी ताकि सब केहू के बुद्धि खुल जाए। बुद्धि वाली कौन बात बा? वो पैसा कन्हैया करा है। सिर्फ कन्हैया के कैसे हा? तू लोगन अपन माई बाबूजी के औलाद ना बाड़ा, हाँ? खाली कन्हैया हा। और अगर पैसा देवे के ही रहल तो अपनी बेटी के देके गई रहती, खाली कन्हैया के कहे के देके गईलन? हाँ, सब कन्हैया के नामे लिख के चल गए। अब बेटी के नामे काका का गई बन? अगर बेटी खातिर ना देले बाड़ तो बेटी के ब्याह करावल हमनी के फर्ज नहीं खे का? अब का कर्जा लेके ब्याह शादी होई? अरे शादी ब्याह कर्जा लेके सारा कमाई चल जाइयो हमें, और 15 लाख लेके कन्हैया मजा करी मजा। हाँ दीदी, पैसा ना दियाई। अरे जब घर में पैसा बढ़ रही बा तो कर्जा काहे कढ़ाई? हाँ। अरे हमनियों को तो अपन लेका फेका बड़े सन, ओकनियों को तो भविष्य देखे के बा, और 15 लाख रुपया के ब्याज भरते भरते है तो हमनी के सब तनख्वाह में उड़ा जाए। भैया हमने तो जोश जोश में हाँ कह देनी चाह, महीना के 75,000 ब्याज में जाई। ए तरह से हमन दोनों भाई के महीना के पूरा कमाई सिर्फ ब्याजे में चल जाई। तू कहल का चाहता रे किशन? उनकरा के जो कहे के रहल ना उ कह देनी। अरे उ तो होश में आ गई नी, और रवो भी होश में आ जाई। अ सुनी, कन्हैया के पैसा से ही ब्याह शादी होई, कोनो कर्जा उर्जा ना ली आई। अरे परी बात कन्हैया से कहल कैसे जाई? जब खुदे पैसा देत रहल तो लगला सबके भरत मिलाप करे खातिर, हाँ? कैसे कहा है? ड्रामा करे के पड़ी। ड्रामा? जैसन हम कहब ना, अगर तू लोग ऐसा ड्रामा करबा ना तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटी। का हो गई सब केहू उदास बैठल बा? जी पैसा देवे वाला रहे वो पैसा देवे से मना कर देलस। अब स्वाति की शादी कैसे होई? अरे हम कहा ताने से दाना पानी छोड़ला से कुछ होई? हाँ, अरे कुछ और सोचा लोगन? भैया महेंद्र बाबू पैसा देवे से काहे मना कर देलन? का बताई काहे मना कर देलन? अरे उनके सामने हाथ जोड़नी, पैर पड़नी उनका, अपना बहन के ब्याहे का वास्ता देनी, लेकिन ना मनने? हमने के महीना के 10% देवे खाते तैयार हो गए नीचा, भले महीना के 1.5 लाख भरती, लेकिन तैयार ही नहीं किया होता। अभी समझ में नहीं आवा था कि कहाँ जाएं और कैसे इज्जत बचाएं। कहीं गईला के जरूरत नहीं किया, ना ही केहू के सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ावे की जरूरत बा। अरे इज्जत गईला पे कहीं इज्जत मिलेला? अरे तो राहुल का मम्मी कैसे इज्जत बची? बची इज्जत भी बची, और शादी ब्याह भी बड़े धूमधाम से हुई। हमनी के लगे इतना जमीन खेत बा, कहे ना लोगन 1 बीघा बेच देवे के। सही आइडिया दहलूगा। और कन्हैया तुहार का विचार? भैया इमे विचार करे ला कौन सा बात बा, हमने के लगे जोन जमीन बा वो हमने के बाप दादा के देवल जमीन है। भैया अगर हमने के कुछ बनेले नहीं जाना तो हमने के कुछ बिगाड़े का हक भी नहीं है। और रहल बात स्वाति के ब्याह के, तब स्वाति के ब्याह उहे तरह हो जे तरह
हमनी के सोच ले बानी जा। पर कैसे कैसे हुई बाबू? अरे भैया 15 लाख रुपए बा ना हमरा लगे। हम तो वही दिन बोले रहे कि मैं खाली हमारा अधिकार नहीं है, मैं आपके किशन भैया के और स्वाति के भी पूरा अधिकार बा। लेकिन लेकिन कुछ ना किशन भैया, स्वाति के खुशी से बढ़कर पैसा तो नहीं है ना, और अगर हमनी के तीनों भाई के रहते हुए जमीन बेच दे जा तो हमनी की इज्जत ना जाई, यही से ना खेत बेचाई ना इज्जत जाई। स्वाति के ब्याह हुई, कल हम पोस्ट ऑफिस जाके पैसा लेके आवा तनी। स्वाति अब तो हंस दाना तू। प्रचालम चल गई ऐसे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ग्राम देवताभ्याय नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाथ जोड़िए ऐसे, ओम सर्व मंगल मांगल्य शिव शिवाय साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्त्रं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा दुर्गम तुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।